और कहा 60 साल के विवाह रचावे लेवे पूछ मुड़ाए। मैंने देखा है महाराज अपनी आंखों से लोग 60-60 साल के हो जाते फैशन में घूम रहे हैं। अरे कहते हैं ना कि पुरुषों की शान हुआ करती है मूंछों से। प्रधान जी आपके ऊपर नहीं कह रहे, हमारे स्टाफ में तो सभी ऐसे ही मूंछ मुंडा बैठे। तो कहा है कि पुरुषों की शान मूंछों से हुआ करती है। पहले के लोग डरते थे किससे? मूंछों से। क्यों डरते थे? इसलिए डरते थे कि भैया मूंछों वाले से दूर रहना, कुत्ते की पूंछ और आदमी की मूंछ कब टेढ़ी हो जाए पता नहीं चलेगा। लेकिन अब लोग नहीं डरते क्योंकि अब मूंछें हैं नहीं, तो डरेंगे क्या? महाराज हमारे प्रदीप भैया कह रहे थे कि मूंछों वाली बात मत कहो, आप ऐसा क्या करो जब मूंछों की बात आओ करे ना तब मोल वाली रखा करो, लगा लिया करो। तो कहते हैं कि आदमी की मूंछ और कुत्ता की पूंछ कब टेढ़ी हो जाए पता नहीं चलेगा। एक राजा ने एक कुत्ता की परीक्षा ली। कहते हैं ना कि कुत्ता की पूंछ तुम कितनी भी सीधी करो लेकिन जब निकालोगे तो टेढ़ी निकलती है। तो राजा के मन में विचार आया कि लोग कहते हैं कि कुत्ता की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, इसलिए हम कुत्ता की परीक्षा लेंगे क्यों नहीं सीधी होती। राजा साहब का कुत्ता जो द्वार पर बंधा था, राजा जी ने देखा कि कुत्ता की पूंछ टेढ़ी है तो मन में विचार किया कि इस कुत्ता की पूंछ को सीधा करना चाहिए। उन राजा साहब ने अपने कुत्ता की पूंछ में एक बहुत लंबा पाइप डाल दिया। जब पाइप डाल दिया तो उस पूंछ में पाइप डालने के बाद प्रधान जी उस पूंछ को एक रस्सी से जाकर के एक पेड़ से बांध दिया। अब कुत्ते की बड़ी सेवा होती है, उसी जगह पर भोजन मिलता, नहलवाते हैं, पानी भी उसी जगह पर पिलाते हैं। दो चार महीने हो गए, मन में विचार आया कि अब कुत्ता की पूंछ खोली जाए। राजा साहब ने कुत्ता की पूंछ जब खोली तो कुत्ता को उस पाइप में फंसे फंसे पूंछ को ऐसी आदत हो गई कि वो सीधी हो गई। राजा साहब ने देखा तो बड़े खुश हुए, सोचने लगे कि लोग कहते कुत्ता की पूंछ कभी सीधी नहीं होती और मैंने तो पाइप में फंस के सीधी कर दी। राजा साहब बड़े खुश, पूरी नगरिया में कह दिया मैंने कुत्ते की पूंछ सीधी कर दी, मैंने कुत्ते की पूंछ सीधी कर दी। लेकिन कुछ देर बाद राजा जी कहते हैं कि उधर से दो चार कुत्ते और आ गए। और भैया कुत्तों की आदत होती है कि गांव का कुत्ता अगर होगा तो नहीं ज्यादा उदम मचाएंगे, अगर दूसरे गांव का कुत्ता आ गया तो बेचारे को खा डालेंगे। देखा कि कुत्ते आ गए और जैसे ही कुत्ते आए और कुत्तों कुत्तों में लड़ाई हुई, वैसे ही राजा साहब का कुत्ता जैसे ही दूसरे कुत्ता पे गुर्राया वैसे ही उसकी पूंछ टेढ़ी होने लगी। राजा साहब कहने लगे हैं कि जो तो सही बात है कि कुत्ते की पूंछ कितनी भी दबा के रखो लेकिन ये कभी सीधी नहीं होती। इसलिए कहावत है कि कुत्ते की पूंछ और आदमी का भी पता नहीं चलता है कि कब इसका माइंड सनक जाए क्या करने लगे। तो कुत्ते की पूंछ और आदमी की मूंछ पता नहीं चलता कब टेढ़ी हो जाए। इसलिए भाइयों ध्यान रखना, आज के बाद में मूंछ रखना स्टार्ट कर दो, ठीक है? हाँ बोलिए वृंदावन।